हाय एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ सागा ग्लोबल। आजकल पावर स्टॉक्स में सॉलिड अपसाइड देखने को मिल रही है, उसका रीजन क्या है और कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पे आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बेट कर सकते हैं, वी विल स्टडी देम इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस में BSE पावर इंडेक्स ऑलरेडी 11% रन अप कर चुका है, लेकिन क्या ये ओवरबॉट हो चुका है? थोड़ा और डीपली समझते हैं। आइए पहले जानते हैं वो रीजंस जिनकी वजह से ये रन अप दिखाई पड़ रहा है। नंबर वन, अभी अप्रैल की स्टार्टिंग हुई है एंड मार्केट से सारे ACs गायब हो चुके हैं। एक्सट्रीम समर्स में फैन, AC, कूलर्स की कंजम्पशन से पावर डिमांड सॉलिड तरीके से बढ़ जाती है। नंबर टू इज प्राइसिंग पावर। आजकल पावर इनएफिशिएंसीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुकी हैं। स्मार्ट मीटर्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज एटसेट्रा जैसे मूव से प्राइवेट प्लेयर्स को सॉलिड बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है और वो बढ़ते हुए कोल के प्राइसेस को कंज्यूमर्स पे डायरेक्ट पास ऑन कर रहे हैं। एंड नंबर थ्री, कोल इंडिया इस समय कोल सप्लाई में पावर कंपनीज को प्रायोरिटी दे रही है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रीज। ऐसे में कोल सप्लाई का इशू इज सॉर्टेड। नाउ जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही टॉप पे हैं, सो पावर स्टॉक्स पे बेट करना बनता है। ऐसे में सिर्फ 3 स्टॉक्स जिन पे आप बेट कर सकते हैं वो है टाटा पावर। टाटा पावर लगभग 6 मंथ्स के लंबे कंसोलिडेशन के बाद 250 के लेवल्स को 3 अप्रैल को ब्रेकआउट कर चुका है। स्टॉक ने अपसाइड स्टार्ट कर दिया है। स्टॉक 320 के टारगेट्स के लिए बाय किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को रिट्रेस करने पे 255-265 के प्राइस पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू आवर सेकेंड स्टॉक इज अडानी पावर। अडानी पावर भी अपने 6 मंथ्स के कंसोलिडेशन को ब्रेक कर चुका है, लेकिन अडानी पावर अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स 250 को जल्द ही अचीव करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में स्टॉक के रीट्रेसमेंट का वेट करके उसे 200-220 के बीच में ही इन्वेस्टमेंट करने में समझदारी है। लॉन्ग टर्म के लिए अडानी पावर इज अ वेरी गुड बेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज JSW एनर्जी। इस स्टॉक ने आज ही अपने लॉन्ग कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। स्टॉक 348 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 400 प्लस के लेवल्स दिखाई पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, कौन से वो स्टॉक हैं जिन पे आप बेट कर रहे हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।